नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सना नजीर। आज हम बनाना सीखेंगे हलवा, पूरी और तरकारी। इसके लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं वो ये हैं: मैदा आधा किलो, सूजी एक पाव, आलू आधा किलो, चीनी एक पाव, घी मैदा गूंधने के लिए आधा कप और सूजी भूनने के लिए एक कप, छोटी इलायची सूजी के लिए दो अदद, कलौंजी 1 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, अरारोट 3 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, कुकिंग ऑयल कढ़ाई भर के, हरा धनिया आधी गड्डी बारीक कटी हुई, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद बारीक कटी हुई, हल्दी 1 टीस्पून, पिसी खटाई 1 टीस्पून। तरकीब: सबसे पहले आलूओं को अच्छी तरह धो लें और छिलकों समेत ही इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लें। अब एक पतीली लें, उसमें 2 ग्लास पानी के शामिल करें, फिर इसमें आलू डालें। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, कुटी लाल मिर्च शामिल करें और इसे अच्छे से पकने दें। जब आलू अच्छी तरह गल जाएं तो इसमें अरारोट घोलकर डालें और चमचा चलाते रहें ताकि अरारोट नीचे ना बैठे। अब इसमें पिसी खटाई और कलौंजी ऐड करें और अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक ढकना ढककर अच्छी तरह पकने दें। चूल्हा बंद कर दें और हरा धनिया और हरी मिर्चें ऊपर से छिड़क दें। अब आप मैदे को 1 टीस्पून नमक, 1/2 कप घी के साथ न ज्यादा सख्त न ज्यादा नरम पानी की मदद से गूंध लें। फिर इसकी छोटी छोटी बॉलें बना लें और इन बॉलों को मलमल से ढक दें और 15 मिनट का रेस्ट दें। इतनी देर में हलवे की तैयारी कर लें। एक पतीली लें, इसमें 1 कप घी डालें और गरम कर लें। जब घी गरम हो जाए तो इसमें 2 छोटी इलायचियां कड़कड़ाएं और सूजी को धीमी आंच पर भूनना शुरू करें। जब सूजी ब्राउन हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे तो इसमें चीनी शामिल करें और 2 कप पानी के ऐड करें। इसे चमचे की मदद से अच्छे से मिक्स करें और ढकना ढककर हल्की आंच पर 5 मिनट तक पकने दें। अगर आप चाहें तो इसमें पानी शामिल करते वक्त 1 चुटकी जर्दे का रंग भी घोलकर डाल सकते हैं। 5 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दें और चमचे से हलवा मिक्स करें और पतीली चूल्हे पर से उतार लें। अब चूल्हे पर कढ़ाई गरम करने रखें जिसमें तकरीबन आधे से ज्यादा तेल हो और छोटी छोटी बॉलों की पूरियां बेलें और एक एक करके फ्राई करें। अब इन पूरियों को तरकारी और हलवे के साथ सर्व करें। मजेदार हलवा पूरी तैयार है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।